हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.11। इसमें कह रहा है ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, सो द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यूजिंग करोड़ एरो नोटेशन। तो दोस्तों सबसे पहले अपन सी पार्ट और एफ पार्ट करेंगे और फिर बेंजीन वाले पार्ट्स करेंगे, क्लियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले एग्जाम्पल 12.16 में मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कुछ रूल्स लिखे, तो वो आप वीडियो जरूर देख लेना और वो रूल्स है ना वो अपनी कॉपी में होने चाहिए आपको, क्लियर। तो देखो सबसे पहले है CH3CH डबल बॉन्ड CH और इसको मैं एक्सपेंड करके ये हो गया दो दो चार और ये हो गया H, क्लियर। इसकी स्ट्रक्चर से होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना एटम नेवर मूव्स। मैंने लिखाया भी है ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेवर मूव, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन मूव करते हैं? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है। पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स sp2 कार्बन या sp कार्बन की तरफ, नेवर मूव टुवर्ड्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। तो यहां पे देखो ये इधर मूव करेगा लोन पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो ये नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव और ये हो गया H। ये भी याद रखना रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेट चार्ज ऑन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर यहां पे नेट चार्ज जीरो है तो यहां पे भी नेट चार्ज जीरो ही होगा और आप चेक भी कर सकते हो नेट चार्ज जीरो, यहां पे -1 और +1 जीरो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये sp2 कार्बन है तो अब ये प्लस चार्ज आ गया ना तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहेगा टेंशन मत ले मार रहा हूं बेटा CH3 CH CH डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और ये हो गया H, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा ये वापस मूव करा दो और इसको यहां मूव करा दो तो ये वाली स्ट्रक्चर वापस आ जाएगी, ठीक है। इसमें भी नेट चार्ज देख सकते हो वही आएगा। अब इसके बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो देखो sp3 कार्बन sp2 और ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है। टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स sp2 कार्बन की तरफ, इधर ऐसे मूव नहीं करेगा sp3 कार्बन की तरफ नहीं मूव करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां है प्लस। अब इसमें भी चेक कर सकते हो नेट चार्ज ऑन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर से सेम रहेगा, देखो यहां +1 है तो यहां भी +1 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है फिनोल, फिनोल में देखो क्या है ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा एक नीचे आएगा, तो कार्बन ओनली चार बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ओनली चार बॉन्ड बना सकता है तो ये क्या करेगा ये इसके कार्बन के पास में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कैसे बनेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये नीचे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये बॉन्ड बन गया और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब ये ऐसे जाएगा ये इसके इधर चला जाएगा और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस और ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया और पाई बॉन्ड और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है ये यहां जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो वापस वैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये और ये हो जाएगा OH दो लोन पेयर, क्लियर हो। सेकंड में आओ देखो बी पार्ट में NO2। अब नाइट्रोजन के पास में क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा ये यहां पे जाएगा और तो ये क्या जाएगा ये इसके ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये तो जा नहीं सकता अब नाइट्रोजन
इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका चला गया तो पाई इलेक्ट्रॉन टूट गए, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन दोनों ऑक्सीजनों पे पास में दो दो चार दो छह नेगेटिव और दो दो चार दो छह नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो दो चार दो छह दो दो चार दो छह माइनस माइनस और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया बॉन्ड आपका और ये इस पे आ गया ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगी, ये क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये और इस पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड हो ही गया एन पॉजिटिव ऑक्सीजन एक दो चार छ नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी अभी ये क्या करे, अब वापस आएंगे, देखो एक आएगा यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये क्या करेगा, ये टूटेगा और ये बॉन्ड यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन का कैसे बनेगा, ये बना ये बना ये बना और ये एन पॉजिटिव ऑक्सीजन दो दो चार दो छ माइनस और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो दो चार, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, इसमें क्या करेगा, वही देखो ये क्या करेगा, लोन पे ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये फिर इधर चल जाएगा, ठीक है। यहां पे सब में पांच पांच स्ट्रक्चर बनेगी, ये देखो वन वन इस पे आ गया पॉजिटिव और ये हो गया डबल बॉन्ड सी ऑक्सीजन दो दो चार दो छह नेगेटिव और ये हो गया सी एच एच, ठीक है। कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फिर ये पॉजिटिव आ गया तो ये इधर गया और फिर इस पे नीचे नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ये और इस पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच ओ दो दो चार दो छह नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये इधर जाएगा पाई बॉन्ड टूटेगा और ये ऐसे बनी ये बनी और ये हो गया डबल बॉन्ड सी एच ऑक्सीजन दो दो चार दो छह नेगेटिव, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये वापस ये पॉजिटिव चार्ज यहां यहां चला जाएगा और ये नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी ये और ये बन गया, ठीक है। और ये हो गया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये बन गई, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट है प्लस सी एच टू, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, ये यहां पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहां पे ऐसे जाएगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। नेक्स्ट है सी एच टू, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो ये यहां चला गया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा ये से ऐसे सी एच टू, ठीक है। नेक्स्ट है ये इधर जाएगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ये सी एच टू, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये इधर जाएगा तो ये हो गया ये बना और ये बन गया और ये हो गया सी एच टू और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये होगी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसमें हाँ वो पहले वाली आ गई ना, हाँ ठीक है।